चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें कि आगरा से आ रही है। योगी सरकार भले ही पीड़ितों को न्याय दिलाने की मदद का दावा करते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि सरकार आगरा पुलिस मुख्यमंत्री के साथ अपने ही महकमे में मुख्य DCP के आदेश को भी मानना अपनी शान के खिलाफ समझती है। आइए एक बार नजर डालते हैं पूरी खबर पर। योगी सरकार भले ही आपको बता दे पीड़ितों को न्याय दिलाने की मदद का दावा करते हैं, लेकिन आपको बता दे आगरा पुलिस मुख्यमंत्री के साथ अपने महकमे में मुख्य आपको बता दे कि DGP के आदेश को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताते चले कि उस वक्त को मिला है जब गोदाला के रहने वाले पीड़ित परिवार पड़ोसी किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार और पड़ोसी की मारपीट भी हुई थी। जब पीड़ित परिवार दबंग पड़ोसी की शिकायत को लेकर जगदीशपुर व थाने गुहार लगाने पहुंचा, पुलिस ने उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित परिवार इंसाफ से मिलने उम्मीद लगाकर आस पास बैठाए हुए SSP ऑफिस पहुंचा। आपको बता दें वहां पर भी उसे इंसाफ नहीं मिला। आलम तो ये है कि महिला फरियादी करते हुए बेहोश हो गई है, किसी पुलिसकर्मी का दिल नहीं पसीना है। आइए सुनते हैं पीड़ित का बयान। क्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। जगदीशपुरा में दो परिवारों में आपस में किसी बात को लेकर मारपीट हुई है, उसी बात को लेकर के लोग यहाँ पर आए थे, तो इसके संबंध में थाना जगदीशपुरा को आवश्यक कार्रवाई मेडिकल कराने हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी नहीं है क्या स्थिति है, इसकी जांच करा लें। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए